ये बात की वजह मतलब मेरे दुबई अब्रॉड जाने से पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था गोवा ग्रैंड हयात में, और ग्रैंड हयात गोवा में आपको याद होगा मेरे काफी बैचमेट्स का प्लेसमेंट वहीं पे हुआ था ग्रैंड हयात गोवा में। तो उसके बाद कुछ महीने करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। मतलब मुझे मन नहीं लगता था जॉब में, मैं मुझे लगता था कि यार इतने जल्दी जॉब कर लूंगा, अभी सब कुछ इतने जल्दी हो जाएगा, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। और घर में मैंने कन्विंस किया था कि नहीं मुझे ये करना है, तब घर वालों ने मना किया था, बोला था कि तेरा सर्वर पागल हो, तू घूम गया है, तू पागल हो गया है, और ये सब सपनों में ही ठीक लगता है बेटा, हम लोगों की बस की बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, वो सब मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से थोड़े सपोर्टिव रहे हैं मेरे हर चीज को लेके। इवन मैं होटल मैनेजमेंट भी चूज किया, वो थोड़ा सा ऑड सेक्टर है ना, सबके मम्मी पापा नहीं राजी होते होटल मैनेजमेंट के लिए, इंजीनियरिंग कर ले या तो मेडिकल कर ले, ऐसे बोलते हैं। तो बिल्कुल तब बिल्कुल से तब शुरुआत से ही मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं। तो इस चीज के लिए भी जब मैं दुबई चला गया, मैंने खुद थोड़े बहुत सेविंग्स किए, और मैं चाहता था कि मैं अपने सेविंग्स से, अपने पैसे से मुंबई जाऊं, मुंबई में ऑडिशंस वगैरह दूं, और मतलब आजमाऊं अपने आप को, और अगर नहीं होता तो ठीक है, मैं वापस अपना जॉब कर लूंगा। वो तो मैं वैसे भी कर रहा था, उस चीज में मेरी एक्सपीरियंस है, डिग्री है, मैं जॉब कंटिन्यू कर लूंगा। बट एक ट्राई करना था एक्टिंग में, एक ट्राई करना था, और वो मैं मुंबई गया था, वहां पे सब कुछ पॉजिटिव हुआ था। मैंने एक दो ऑडिशंस दिए थे जो कि अच्छे हुए थे, और पहले ही ऑडिशन में मैं अच्छा गया था मेरा, तो काफी पॉजिटिविटी मिली मुझे, और अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई अब तो कर सकता हूं मैं। और जब उन लोगों ने बोल दिया तो फिर कौन मतलब क्रिटिसाइज करने वाले और कौन होते हैं।